हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्राफ्ट टाइम। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ यूजेस ऑफ स्टिकी नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से किस किस को स्टिकी नोट्स पसंद है कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे जो स्टिकी नोट्स हैं उनके कलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट कैमरे में पता नहीं क्यों लाइट से आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और आपने अगर मुझे एम एस कलर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी करो, इतने टाइम से बैठे वैसे ही फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मुझे इसको यूज़ करते हैं अपने क्राफ्ट से रिलेटेड सामान के लिए। मुझे कुछ भी चाहिए होता है, जैसे कि मुझे अभी फॉर्म शीट चाहिए, कलर पेपर चाहिए, जेल पेन चाहिए। तो लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद मैं लेके आ जाऊँगी, जब भी मार्केट जाऊँगी तो ये मैं लिख के रख लेती हूँ, और फिर जब भी बाहर जाना होता है ना तो मैं लिख के आ जाती हूँ। तो फर्स्ट जो ये हो गया, उसको ऐसी जगह पेस्ट करो जहाँ पर आप जब भी बाहर जाओ तो आपको दिख जाए, जैसे मैं पेस्ट कर रही हूँ। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, इसको कोई भी प्रोडक्ट रहता नहीं है। देन सेकंड है ग्रॉस से रिलेटेड। हमारे घर पे सब के सब ये बनाते रहते हैं, मतलब जो भी मैं चाहिए होता है, जैसे चॉको चिप्स, बटर, हमारे घर पे जो भी अवेलेबल नहीं हो वो हम लिख लेते हैं और फ्रिज पे पेस्ट कर देते हैं। फिर जब भी जो है मम्मी मार्केट जाती है तो मम्मी इस साइड की देख लेती है, एक नोटबुक में लिख लेती है और लेके चली जाती है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हेल्प भी बहुत अच्छी हो जाती है मम्मी की। थर्ड है मेरी बुक पर मैं इसको पेस्ट करती हूँ, जो भी मुझे ऐसे वर्ड लगते हैं जिसकी डेफिनेशन कुछ ईजी वर्ड्स होनी चाहिए तो मैं लिख लेती हूँ और फिर इसको पेस्ट कर देती हूँ मेरी बुक में। जो अगर बड़ी होगी तो बड़ा स्टिकी नोट्स ले लेती हूँ, छोटा होता तो छोटे ले लेती हूँ। देन फोर्थ, जैसे कि इस टाइप के मैम कुछ ऑनलाइन क्लासेस के देना टाइम पे बताती है ना कि ये आपको पहले इससे पहले ये लर्न करना है, वो लर्न करना है, तो मैं उस चैप्टर के स्टार्टिंग में वो लिख देती हूँ ताकि मुझे पता चले। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पॉस्टुलेट्स पहले लर्न करने बिफोर लर्निंग द पॉइंट्स, तो इस टाइप से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है ताकि भूल नहीं, तो यहाँ पर पॉस्टुलेट्स वगैरह लिख करें। नेक्स्ट है मेरे डेली रूटीन से रिलेटेड, जैसे कि मेक अ वीडियो, मुझे कल वीडियो बनाना है, डू एक्सरसाइज एंड डू योगा। और इस पेन ने मुझे धोखा दे दिया गाइस, मैं मार्कर का यूज़ कर रही हूँ, कोई बात नहीं। एंड देन एक समित नाम का हमारा चैप्टर है, वो मुझे रीड करना है, ठीक है, कल मुझे रीड करना है, मैंने बोला था कि मैं रीड करूँगी। उसको भी हम पेस्ट कर देना है हमारे टेबल पे या फिर जहाँ पे भी आप करना चाहो, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते जो आप करना चाहते हो नेक्स्ट डे। ओके, देन नेक्स्ट है मेक टाइम टेबल फॉर समर वेकेशन टुडे। तो मुझे कल के लिए है तो टुडे लिखा है, मतलब कल मुझे एक समर वेकेशन के लिए टाइम टेबल बनाना है अपने। हो तो गई स्टार्ट, गई बहुत लेट हुई है। देन नेक्स्ट है इसमें क्या लिखा है मैंने कि जब भी मेरे एम एक्स टकारो को 1K फॉलोअर्स हो जाएंगे ना तो मैं स्पेशल वीडियो लाने वाली हूँ, तो जल्दी से जाकर एम एक्स टकारो को मुझे फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 500 फॉलोअर्स हमारे हो चुके हैं, बस 500 और चाहिए। बाय गाइस, लाइक से सब्सक्राइब।